गाइस, दिस इज हैन लूब्स E90 और इस बॉटल में कुछ ऐसा है जो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, बाइक को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखता है, ये आपकी बाइक की माइलेज को एवरेज को बढ़ाता है। और अगर आप की पुरानी बाइक है जो कि 20,000 25,000 30,000 किलोमीटर चल चुकी है तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसका मेन काम ये है कि बाइक के फ्यूल सिस्टम को, जो फ्यूल लाइन होती है, उसकी पूरे तरीके से साफ करता है और आपका फ्यूल अच्छे से बर्न होगा और उसके बाद आपकी बाइक ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो इस वीडियो में दोस्तों यही चेक करेंगे कि क्या वाकई में ये काम करता है जो हैन लूब्स का E90 पेट्रोल है, जो कि आपको अमेजोन वगैरह पे नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और ये एक तरह का केमिकल होता है जो आपकी बाइक या कार या जो भी आपके व्हीकल हो उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि फ्यूल, आपका लिक्विड फ्यूल यूज़ होता है। ठीक है, नया चश्मा लिया यार, दिखाना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने कोई भी बाइक हो, चाहे जैसे मेरी ये रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 है या और भी कोई भी बाइक हो, उसमें जो सबसे बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये कि बाय द टाइम बाइक की परफॉर्मेंस गिरती जाती है, ख़राब होती जाती है, उसका एवरेज माइलेज सब गिरता जाता है। और अगर आप जानते होंगे तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है दोस्तों कि जो बाइक का जो इंटरनल सिस्टम होता है वो धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर पड़ता रहता है, उसमें स्लग जम जाता है इंजन में, आप जानते होंगे, जिसके लिए आप इंजन को फ्लश कराते हो। उसके बाद कार्बोरेटर गंदा हो जाता है, जो कि आप साफ़ तो कराते हो लेकिन वो इतने अच्छे से साफ हो नहीं पाता है। जो फ्यूल का पूरा सिस्टम होता है, जो फ्यूल लाइन्स होती हैं, तो ये पूरा सेटअप जो है गंदा हो जाता है। मैं इसका यूज़ करूँगा और ये प्रोडक्ट मुझे जो बताया गया है वो काम क्या करता है, वो काम ये करता है कि आपके फ्यूल के साथ ये पूरे आपके इंटरनल पार्ट्स की सफाई कर देता है, मतलब जो फ्यूल लाइंस होती हैं उनकी सफाई कर देता है। सबसे बड़ी बात, ये टैंक के रस्ट को मिटाता है और अंदर टैंक में एक ऐसी लेयर बना देता है जो कि आपका आगे पानी भी जाता है टैंक में तो उससे आपके टैंक में रस्ट नहीं लगता, मतलब जंग नहीं पकड़ता। और जो थोड़े बहुत स्लज हो गए वो इसको बाहर कर देता है, गला देता है और इसको ये फ्यूल लाइंस को भी साफ़ करता है। ये जो फ्यूल लाइंस होती हैं आपकी, ये टैंक से निकला हुआ है, उसके बाद यहाँ आता है, यहाँ पे भी एक फ़िल्टर लगा होता है प्लास्टिक का, ये टैंक का जो पूरा रस्ट है वो काट के निकाल के यहाँ पे जमा कर देगा और उसके बाद आप इसको खोल के साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो फ्यूल लाइंस होती हैं, ये अंदर से जो भी स्लज होता है, जो भी काला वाला जो मटेरियल होता है, गंदगी होती है, वो सब साफ़ करते हुए उसके बाद कार्बोरेटर में जाता है पेट्रोल के साथ, और कार्बोरेटर को भी अंदर से साफ़ करता है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों ये है कि ये 15 लीटर के पेट्रोल या डीजल में पूरी एक बॉटल 50 ml की बॉटल को आप यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए कार में आप डालते हैं, मान लीजिए 30-40 लीटर पेट्रोल है तो 2 bottles लगेंगे, मतलब 100 ml आपको यूज़ करना है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरी बाइक है ये थंडरबर्ड 350, जिसका ये टैंक है जिसकी 20 लीटर की कैपेसिटी है और मैं इसमें करीब 14 से 15 लीटर फ्यूल को रखूँगा और उसमें ये पूरी एक बॉटल 50 ml की पोर करूँगा, उसके बाद देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है। तो फिलहाल अभी इसमें जो रीडिंग है वो 26,000 किलोमीटर के आसपास दिखा रही है, लेकिन ये एक आइडियल किलोमीटर कंडीशन है किसी बाइक के लिए इस तरह के फ्यूल, मतलब इन जो फ्यूल क्लीनर को यूज़ करने का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नई बाइक्स होती हैं उसमें सब कुछ तो लगभग साफ़ ही होता है, सब कुछ क्लीन होता है, बहुत फिट होता है, लेकिन बाइक जैसे जैसे चलती है, पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे उसमें काम निकलते रहते हैं, प्रॉब्लम आती रहती है, स्लग जम जाता है, कार्बन, ग्रीस, ये सब चीज़ें जमती जाती हैं उसके इनर फ्यूल लाइंस में। पूरा दिन इंतज़ार किया कि मेरी बाइक रिजर्व में आ जाए ताकि मैं इसमें थोड़ा फ्यूल डलवा सकूँ, तो अभी मेरी बाइक रिजर्व में आ गई है और मैं थोड़ा बहुत इसको 20-25 किलोमीटर चला भी लिया है। तो ये पेट्रोल पंप पे चलते हैं और वहाँ पे पहले फ्यूल अप होते हैं, मतलब फ्यूल भरवाते हैं। 800 रुपये का डाल दो, 800 का। हाँ जीरो, ठीक है सर, कोई नहीं। लीटर टैंक का 19 का, छोटी मोटी गाड़ी का होता है। अल्टो सल्टो में इतना ही आता है। खुल जा सिम, ये पूरी बॉटल डाल दी फ्यूल में,
पूरा 50 ml। अब देखते हैं इसका कमाल। दिस इज फ्यूल लाइन क्लीनर। फ्यूल लाइन क्लीनर मैं भी अभी पता नहीं, आई एम मेकिंग अ वीडियो, यूट्यूब वीडियो ऑन दैट। तो अभी मिडिल प्रोसेस है, पता नहीं अभी काम करेगा कि नहीं करेगा। हाँ मैं अभी पहली बार यूज कर रहा हूँ, पूरा ये क्लीन कर देगा, देन ऑफ कोर्स योर बाइक विल परफॉर्म बेटर एंड गिव माइलेज बेटर। तो लेट्स सी अभी क्या रिजल्ट आता है। आई एम मेकिंग अ ऑनेस्ट वीडियो, दैट्स व्हाई स्टेप बाय स्टेप एवरी वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। या ऑफ कोर्स आई एम अ यूट्यूबर, अ स्मॉल यूट्यूबर। सो आई एम मेकिंग ब्रिज व्यू। या चलो सर, नाइस, ठीक है मेरे राइट बिलिंग सेव होगा। थैंक यू सो मच यार, ठीक है फिर मिलेगा हम लोग किसी राइट पे, डोंट वरी, थैंक यू। तो अब नोट करते हैं कुछ चीजें। 27361 मतलब करीब 27,361 किलोमीटर्स। ये मेरी बाइक का अभी मौजूदा जो किलोमीटर दिखा रहा है, मीटर पे रीडिंग दिखा रही है। और अब अगली बार जब मेरा फ्यूल खत्म होगा, मतलब कि रिजर्व में गाड़ी आएगी। अभी ये देखिए मैंने फिर से दिखाता हूँ, ये रिजर्व ऊपर होता है रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों का, नीचे मैंने मेन कर लिया। तो अब जब अगली बार मेरी गाड़ी रिजर्व में आएगी तो करीब एग्जैक्ट मैंने 10 लीटर फ्यूल कंज्यूम कर लिया होगा अपनी बाइक को राइड करने में। अभी मैं बाइक पे बैठा ही हूँ और मुश्किल से आधे किलोमीटर, एक किलोमीटर ही आया होगा, लेकिन मेरी बाइक की जो आवाज है ना इंजन की, जो साउंड है इंजन का, वो बिल्कुल बदल चुका है। एंड दिस इज अमेजिंग, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये बिल्कुल ही बदल चुका है। बहुत अच्छी आवाज आ रही है बाइक की, इंजन पूरी तरह एक्सीलेटर से कनेक्टेड लग रहा है, पता नहीं क्यों, हो सकता है इसे बूस्टर भी हो, आई एम नॉट श्योर। तो इस केमिकल में चाहे जो हो, लेकिन जो कंपनी का दावा है, कंपनी कहती है कि इसमें कुछ ऐसा केमिकल है, कुछ ऐसा इसमें फॉर्मूला है जो आपको वो प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न होता है। और उसका रीज़न ये है कि इसमें कुछ ऑक्सी जनरेटर टाइप के कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके फ्यूल को बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, बहुत अच्छे से छोटे छोटे कण हो जाते हैं उसके, और वो आगे जाके बहुत अच्छे से बर्न होता है, जलता है। और अच्छे से बर्न होने की वजह से बहुत कम वार्निश सूट या जो कार्बन आपका जमता है आपकी बाइक में, तो वो सब स्लज वगैरह बहुत कम होता है और बहुत कम धुआं निकलता है या ना के बराबर निकलता है। तो ये एक एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो इंजन आपका बहुत स्मूथ होता है, वो कारण भी यही होता है कि बहुत अच्छे से जब फ्यूल जलेगा तो बहुत कम एयर लेगा और आवाज़ कम आएगी, जो उसकी पंप की आवाज़ होती है वो बहुत कम आती है, और ओवरऑल आपका इंजन बहुत स्मूथ आवाज़ करेगा, जो आपका एग्जॉस्ट नोट होगा बहुत प्यारा होगा। अच्छी बात ये भी है कि इससे आपकी बाइक की वॉइस भी, आवाज़ भी बदल जाती है, साउंड बदल जाता है, क्योंकि बाइक का आपका इंजन बहुत स्मूथ चलता है। तो वो भी चेक करेंगे और चलते चलते बाइक की आवाज़ भी सुनेंगे। तो ये आवाज़ जो अभी आप सुनने जा रहे हैं, ये है उस समय की आवाज़ जब मैंने ये फ्यूल लाइन क्लीनर अपनी बाइक में नहीं डाला था। तो ये सुनिएगा, और उसके बाद अब जब मैंने अपनी बाइक में ये फ्यूल लाइन क्लीनर डाल दिया है, उसके बाद आइए सुनते हैं इसकी आवाज़। दोस्तों काफ़ी नोटिसेबल चेंज है। वैसे मेरी जो मेरा जो कैमरा है, जो माइक मैं जिसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है उसके कॉम्बिनेशन की वजह से आपको ये एग्जैक्ट अंतर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे फिजिकली यहाँ पे खड़े होने के बाद मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि अंतर वाकई में है। आवाज़ बिल्कुल बदल गई है, काफ़ी स्मूथ हो गई है, और इस मामले में तो ऑफकोर्स मैं इसको सपोर्ट करूँगा, पॉजिटिव मार्क दूंगा। अब दोस्तों ये देखिए, बाइक को चलाते चलाते मैंने चला लिया है करीब 27,722 किलोमीटर। और आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम रात में इसमें फ्यूल, मतलब पेट्रोल पंप पे फ्यूल भरवाया था, तो उसकी रीडिंग थी करीब 27,000
361 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और ये मेरा फ्यूल गेज अब ब्लिंक करना शुरू कर चुका है, मतलब कि लगभग अब ये रिज़र्व में बाइक मेरी आने ही वाली है। और अभी तक फ़िलहाल तो ये मेन में ही चल रही बाइक मेरी। ये देखिएगा, ये नीचे की तरफ जो नॉब होता है रॉयल एनफील्ड की बाइक का, वो मेन का सिग्नल होता है। तो मेन में ही अभी बाइक मेरी चल रही है। और अभी चलिए बाइक को और चलाते हैं और देखते हैं कि अभी कितना फ्यूल बचा हुआ है। और जैसे ही मेरी बाइक रिज़र्व में आएगी, इसका मतलब ये होगा कि अब ये 10 लीटर का एग्जैक्ट फ्यूल कंज्यूम कर चुकी है। और उसके बाद फाइनल रीडिंग चेक करेंगे और उसके बाद माइलेज निकालेंगे। और गाइज मेरी बाइक चलती ही जा रही है। और अगर आपको ये मीटर दिख रहा हो तो इसमें टोटल किलोमीटर अभी दिखा रहा है 27,772 किलोमीटर। और सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि ये मैं सिर्फ सिटी में बाइक चला रहा हूँ, बावजूद भी ये करीब 400 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। और अभी कितना चलेगी पता नहीं, चलिए चलाते हैं और देखते हैं। क्योंकि कभी कभी तो मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बाइक को रिजर्व में कर दिया है, लेकिन अभी फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। ये अभी भी मेरी बाइक मेन में ही है। और इतना तो मैं श्योर हूँ दोस्तों कि इस फ्यूल में, इस लिक्विड में ज़रूर बूस्टर है, और जिसकी वजह से मेरी बाइक का पिकअप भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ये जो 10 लीटर का फ्यूल मैंने कंज्यूम किया है, और सिटी में मेरी बाइक इसके पहले करीब 32-35 किलोमीटर का ऑन एन एवरेज माइलेज निकालती थी, और ये 40 प्लस चल रहा है मैं अभी। और वैसे मुझे लगता है कि अब पेट्रोल 2-4-5 किलोमीटर के बाद ख़त्म ही हो जाएगा। और मेरी गाड़ी झटके देने लगी है दोस्तों। मेरी पेट्रोल अब लगभग ख़त्म सा हो रहा है, तो आई थिंक ये जगह भी बेटर ही लग रही है, यहाँ पे मैं बाइक रोक सकता हूँ अपनी और आपसे बातें भी कर सकता हूँ। तो चलिए रोक ही लेते हैं बाइक, अब लगभग पेट्रोल ख़त्म हो गया इसमें। अरे 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 ओहो ओके, ध्यान दीजिएगा अब मेरी बाइक बंद हो चुकी है। ये मेन में मेरा नॉब था और अब ये रिजर्व में मेरी बाइक को करना पड़ रहा है। आइए पेट्रोल भी चेक करा लेते हैं आपसे, ताकि आपको लगे कि भाई बंदा जेन्युइन है। ये देखिए ये पेट्रोल है, इसमें करीब 3-4 लीटर का पेट्रोल तो होता ही है। आई एम श्योर कि आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, दिखेगा भी नहीं क्योंकि शाम हो चुकी है, टाइम हो रहा है करीब 5:30 बज रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहन रखे। तो भाई देखो फिर से 1 बज गया। 27,775 किलोमीटर करीब 10 लीटर पेट्रोल में। तो भैया 10 लीटर पेट्रोल में चली है मेरी गाड़ी 400 किलोमीटर के ऊपर। इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि करीब 40-41 या 42 के हुए तो ये बाइक दे ही रही है। 41.4 किलोमीटर पर लीटर, 41 किलोमीटर और करीब 400 मीटर 1 लीटर पेट्रोल में मेरी बाइक अब चल रही है इस फ्यूल लाइन क्लीनर को डालने के बाद। और वैसे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने ज़्यादातर सिटी में ही बाइक को चलाया है, और कहीं कहीं हाईवे अगर मिला मुझे तो मैंने वो 90 और 100 पे भी बाइक चलाई है। तो मतलब ऊटपटांग ही बाइक चलाई है, बहुत अच्छे से बाइक नहीं चलाई है। तो अगर इस कंडीशन में 40 किलोमीटर के आसपास का एवरेज दे रही है मेरी गाड़ी जो कि पहले करीब 30-32 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती थी, तो बहुत ही प्लीजेंट सरप्राइज़ है दोस्तों मेरे लिए। अब दोस्तों जैसा कि कंपनी का दावा है कि इसको डालने से आपकी माइलेज एवरेज बढ़ जाती है, स्मूथ हो जाती है, गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की। तो मज़े वाली बात यह है कि क्या मैं अगर इस जो है लिक्विड को नहीं डालूँगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंपनी मेरी बाइक बिल्कुल अंदर से साफ हो गई है, बिल्कुल नई जैसी हो गई, तो ऑटोमेटिक उसको अच्छा एवरेज देना चाहिए। और मैं आपसे ये कहूँगा कि इसको मतलब रेगुलर ना डालें, क्योंकि मैंने इसके बाद भी बाइक को चलाया, बिना डाले भी चलाया, और 15-20 लीटर का पेट्रोल फिर से मैंने यूज़ किया। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि बाइक उतना एवरेज तो अचानक से नहीं बढ़ा देती, मतलब जो अभी इसको डालने के बाद करीब 8-10 किलोमीटर का अंतर आ रहा था मेरे माइलेज में जो इंक्रीज़ हो गई थी, अब वो एवरेज करीब 5-6 किलोमीटर का है। लेकिन ऑफकोर्स तभी अच्छी चीज़ है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, कंक्लूजन मेरा ये होगा कि दूसरी या तीसरी बार जब अभी आप अपना फ्यूलो करते हैं, पूरी बाइक को टैंक फुल करते हैं, तब आप डालिए इसको और आपको अच्छा एवरेज मिलेगा। और अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं मोटा मोटा कि यार इतने का तो मैं पेट्रोल ही भरवा लूँ,
तो मेरी बाइक की एवरेज लगभग उतनी ही आएगी, माइलेज उतनी ही देगी। तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ आपकी बाइक को बहुत अच्छे से ये अंदर से साफ सफाई करता है, हेल्दी रखता है, क्लीन रखता है। तो ये चीज़ें आपको पेट्रोल से नहीं मिलेंगी, आपको पेट्रोल में महीने दो महीने में तीन महीने में एक बार इसको डालने पर फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं है। वैसे तो दोस्तों मार्केट में बहुत ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आपको ये कमिट करेंगे कि आप ये ले लीजिए वो ले लीजिए और आपका जो है फ्यूल सिस्टम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, लेकिन मेरे कई दोस्तों से बात हुई और उन्होंने मुझे यही वाला प्रोडक्ट रिकमेंड किया, हैन का E90। और मुझे वाकई में कई अच्छे रिव्यू भी मिले जो यूज़र्स हैं इसके, इनफैक्ट कार में भी ये यूज़ करते हैं लोग, कार और बाइक जो भी जहाँ पर भी लिक्विड पेट्रोलियम आप यूज़ करते हैं, चाहे वो डीजल कार हो या फिर पेट्रोल की कार हो, बाइक हो, एनी बाइक, सुपर बाइक हो, नॉर्मल बाइक हो, और कार्बोरेटर वाली बाइक हो, या फिर आपकी जो फ्यूल इंजेक्टर इंजेक्शन वाली बाइक होती है जैसे रॉयल एनफील्ड की 500 मॉडल्स या उसके ऊपर वाली जो मॉडल्स होती हैं, सारे में जो EFI सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें भी ये क्लीनर आपका काम करेगा। गाड़ियों में भी डाल सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या परफॉर्मेंस आएगी गाड़ियों की ये जानने के लिए वो गाड़ी चलानी पड़ेगी और अभी थोड़ा टाइम लगेगा ऐसी गाड़ी लेने में।